मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 10 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने तीनों मुद्दों जैसे सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बड़ी बातें सामने आई है। कोर्ट ने कहा है एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है, वहीं कुछ दस्तावेज भी गायब है। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सीजेआई ने कहा अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा डॉक्टरों का पैसा ही मरीजों की सेवा करना है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश की गई अनवर कंसगंज रूट पर। रविवार देर शाम यह घटना हुई। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। सिलेंडर फटा नहीं और ट्रेन से टकरा कर ट्रैक के किनारे गिर गया। कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने तुरंत सीनियर अफसरों को सूचना दी। घटना के बाद आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के सीनियर अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। अच्छा देखिए, ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा बोतल में पेट्रोल, माचिस, एक मिठाई का डिब्बा और झोला मिला है। झोले में बारूद जैसा पदार्थ पाया गया। आरपीएफ ने कहा है कि आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। देश में पिछले 10-15 सालों में कई नदियां सूख चुकी है, सैकड़ों तालाब, कुएं और झीलें खत्म हो चुकी है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के लिए बेहद सुखद खबर है। अब की बार दशकों से सूखी पड़ी नदियां एक बार फिर पूरे वेग पर बह रही है। राजस्थान की मरु गंगा कही जाने वाली लूणी नदी में 50 साल में पहली बार हुआ है कि अजमेर से 320 किलोमीटर दूर बिलाड़ा के पिचियाक बांध तक पानी पहुंचा है। मॉनसून ने 49 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 58% ज्यादा बारिश हो गई है। और किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है, इस बार ग्राउंड वाटर लेवल भी 15% तक रिचार्ज होने की संभावना है, यानी कि ट्यूबवेलों और कुओं में पानी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी मैगी खाने के शौकीन है तो सतर्क हो जाए, क्योंकि 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाली मैगी आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कस्टमर ने दावा किया है कि किराना दुकान से खरीदी गई मैगी नूडल्स में जिंदा कीड़े निकले। मैगी नूडल्स पर पैकेजिंग डेट मई 2024 और इसकी एक्सपायरी डेट जनवरी 2025 दर्ज है। अब इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर फोरम में की गई है। उन्होंने बताया कि पानी में नूडल्स डालते ही कीड़े तैरने लगे। अब मंगलवार को जबलपुर फूड सेफ्टी ऑफिसर घर आकर सैंपल लेंगे। यह भी कहा गया है कि नेस्ले कंपनी की टीम भी कॉन्टेक्ट करेगी। वैसे आपको बता दूं, ये मैगी वगैरह खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। पहले शहरों में इसका चलन ज्यादा था, लेकिन अब गाँव में भी इसका चलन बढ़ता जा रहा है। अजय आपको बता दूं, जानकारों का कहना है मैगी में ट्रांस फैट होता है जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैगी में मौजूद मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ कुछ लोगों को बीमार भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ी में घने जंगलों में 9 दिन पहले लापता हुए 23 साल के राहुल पराशर का रहस्य अभी भी बरकरार है। बीते रविवार को दुर्गम घाटी से होकर नाहरगढ़ की पहाड़ी पर घूमने के लिए चढ़े राहुल और उसका छोटा भाई आशीष जंगल में रास्ता भटक गए। उसके बाद अगले दिन सोमवार को आशीष की लाश झाड़ियों में मिल गई, लेकिन राहुल का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस राहुल को ढूंढने के लिए जयपुर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। यहां तक कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी राहुल को नहीं ढूंढ पाए हैं। अब यह केस हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राहुल की खोज में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जुटे हैं। पुलिस को जंगली जानवर का शिकार होने या फिर गिरने से मौत की आशंका भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने 9 सितंबर को राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनपीएस या यूपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना को ही यथावत रखने की मांग की है।
उन्होंने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम ही रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हितकारी है, इस योजना को बंद नहीं किया जाए। और बड़ी खबर यह है, इस पर राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि राजस्थान में ओपीएस यथावत जारी रहेगी। साथ ही में इस मामले में वह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर बाकी मांगों से अवगत करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यह खबर आपको विचलित कर सकती है। महिला की मौत के बाद चारपाई पर शव को 2 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पूरे सिस्टम की पोल खोल रहा है। अब देखिए, वोट लेने के लिए यहाँ पर लगभग सभी नेता पहुँच गए होंगे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा। हरिराम ने बताया कि पत्नी की मौत होने पर गांव के लोगों ने कॉल किया, उन्हें सड़क पर चारपाई लेकर पहुँचने के लिए कहा। अस्पताल से शव को एम्बुलेंस से लेकर आया। गाँव से 2 किलोमीटर पहले एम्बुलेंस वाले ने रास्ता खराब होने का हवाला देकर आगे जाने से मना कर दिया। उसके बाद इस शव को चारपाई पर 2 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचाना पड़ा। गांव का कच्चा रास्ता है, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन आपको पता है चुनाव के बाद गरीबों की कौन सुनता है। वहीं इस मामले में वहां के विधायक का वही रटा रटाया जवाब आया है। कहा है कि यह मामला हमारी जानकारी में आया है, जल्द ही अधिकारियों के साथ पहुंचकर समस्या की जानकारी लेंगे। सच आपको बताऊं तो अगर यहां पर किसी बड़े नेता का दौरा होता तो रातों रात सड़कें बन जाती। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के सियोल में रोड शो किया। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही कई नीतियां लॉन्च होगी, औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा हूं। उन्होंने कहा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी बाबूलाल कटारा को सोमवार को एसओजी की टीम आरपीएस से लेकर पहुंची। इस दौरान एसओजी की टीम ने बाबूलाल कटारा के सामने ही उनके चैम्बर को खुलवाकर वहां रखे दस्तावेजों की जांच की। बाबूलाल कटारा के आरपीएससी पहुंचने के करीब 2.5 घंटे बाद रामूराम रायका और उनके बेटे तेवेश और पुत्री शोभा रायका को भी एसओजी की टीम आरपीएससी लेकर आई, जहां उन लोगों से करीब 1.5 घंटे की पूछताछ की गई। रामूराम रायका और उनके बेटा बेटी से एसओजी की टीम ने करीब 1.5 घंटे आमने सामने पूछताछ की। दरअसल बाबूलाल कटारा से पेपर लीक से पहले कौन कौन व्यक्ति मिलने आए थे, उसकी भी जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, चूरू से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए विजय कुमार धीनावाल का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे ही विजय कुमार तिरंगे में लिपटकर घर के आंगन में पहुंचे तो परिजनों की रुलाई फूट पड़ी। शहीद विजय कुमार चूरू जिले के तारानगर तहसील के आनंद सिंहपुरा पंचायत के ढाणी आशा के रहने वाले थे। शहीद को 15 महीने के बेटे ने मुखाग्नि दी। आपको बता दूं, कमांडो ट्रेनिंग के दौरान नाव पलटने से विजय कुमार शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने एक दिवसीय दौरे पर रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव समाधि स्थल की पूजा अर्चना की। बड़ी बात यह है, ओम बिरला रामदेवरा पहुंचे और करीब 1.5 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए समाधि स्थल तक गए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री बाबूलाल नागर, पोखरण विधायक प्रताप पुरी महाराज, बाड़मेर सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपको बता दूं, रामदेवरा में अभी भक्तों का रेला लगा हुआ है, देश के कोने कोने से लोग रामदेवरा पहुंचे हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। वैसे आपको बता दूं, अजमेर में बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं, कई कॉलोनियां और सड़कें डूब गई है। बड़ी खबर तो यह है, फौज सागर झील की पाल टूटने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब तीव्र होकर डीप डिप्रेशन बन गया है। अब यह उत्तर पश्चिमी दिशा में ओडिशा छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ गया है। इसी सिस्टम की वजह से 10 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश होने तथा कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। 11 और 12 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो आगामी 3-4 दिनों के दौरान जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।